और गाजा जंग के बीच एक बड़ी खबर है। हूती के खिलाफ बड़ा कार्रवाई करने के मूड में अब अमेरिका आ चुका है। हूती पर कार्रवाई के लिए कई देशों के संपर्क में है अमेरिका। अपने सहयोगी देशों से अमेरिका बात भी कर रहा है। तो देखिए, हूती पर कार्रवाई के लिए कई देशों से संपर्क साधने में जुटा हुआ अमेरिका और कहा जा रहा है कि जल्द ही अब अमेरिका के निशाने पर हूती विद्रोही होंगे। सवाल यह है कि क्या हमास से पहले ही हूती का खात्मा हो जाएगा? अमेरिका के टारगेट पर है हूती विद्रोही, यह सबसे बड़ी जानकारी। अमेरिका ने सहयोगी देशों से कांटेक्ट किया है, संपर्क किया है। संपर्क इसलिए किया गया ताकि हूती को सबक सिखाया जाए। हूती को सबक सिखाने के लिए खाड़ी देशों से अमेरिका ने बात की है। वहीं लाल सागर में हूती से कैसे निपटा जाए इस पर भी अमेरिका ने चर्चा की और हूती को पूरी तरह से खत्म करने पर आमादा है अमेरिका। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में एक और वॉर फ्रंट खुल सकता है अगर ऐसा हुआ तो। इसकी वजह भी समझिए, वजह क्या है। दरअसल हूती लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत की निगरानी कर रहा था। ईरानी ड्रोन से वॉरशिप की जासूसी कर रहे थे हूती विद्रोही। वहीं लाल सागर से होकर जाने वाले कमर्शियल शिप को बना रहा था निशाना। तो ये बड़ी जानकारियां हैं अमेरिका और हूती के बीच नफरत की। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और हूती के बीच अगर जंग हुई तो उसका अंजाम क्या होगा, यही सबसे जरूरी है जानना। अमेरिका हूती में अगर जंग हुई तो क्या होगा? मिडिल ईस्ट युद्ध का सबसे बड़ा अखाड़ा बन जाएगा। मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमले और बढ़ जाएंगे। यमन पर सीधा हमला करेगा अमेरिका। साथ ही साथ ईरान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, सीधे ईरान पर भी हमले का खतरा बढ़ जाएगा। मिडिल ईस्ट खुलकर दो खेमों में बढ़ जाएगा और ईरान पर हमले से विश्व युद्ध शुरू होना लगभग तय मानिए। और इस सवाल का सबसे सही जवाब ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर ही दे पाएंगे। दत्ता सर, क्या अमेरिका अब मूड में आ चुका है हूती के खात्मे की? क्योंकि हमने इसके अंजाम पर भी गौर किया है कि अगर अमेरिका और हूती के बीच ठनी तो ईरान भी बच नहीं पाएगा। हाँ, देखिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जैसे हूती विद्रोहियों ने जो अमेरिका के शिप पे अटैक किया है और उसको नष्ट किया है, तो अमेरिका इसको बहुत बिल्कुल लाइटली नहीं लेगा और अमेरिका विल रिटेलिएट बैक। वो अपनी रणनीति तैयार कर रहा है और ऑपर्चुन टाइम में वो हूती के ऊपर अटैक करेगा। दूसरी बात देखिए, अमेरिका हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है और अमेरिका के पास रिसोर्सेज और रीच की कमी नहीं है। अमेरिका को कोई इस तरह की कोई अपनी ट्रुप्स मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं है। उसके पास इस तरह का असला है, इस तरह के वेपन डिलीवरी सिस्टम है कि वो कहीं से बैठ के केवल उसने टारगेट रजिस्टर करने हैं और हूती के जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं या उनके कंसंट्रेशन जो कैंप्स हैं वहां उनको अटैक करेगा। तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ये केवल समय जा रहा है। अमेरिका इस बेइज्जती का जो बदला यकीनन लेगा। ठीक है, तो अमेरिका इस बेइज्जती का बदला लेगा। विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वॉर जोन से और वहां पर जो गहमा गहमी चल रही है इस वक्त उसे विपिन अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। विपिन, क्या लग रहा है, अमेरिका अब इस युद्ध में कूदेगा क्या? क्योंकि हूती को अमेरिका छोड़ने वाला नहीं और इसलिए खाड़ी देशों को एकजुट करने में अमेरिका लगा हुआ है बातचीत करके। बिल्कुल, देखिए, संभावना पूरी नजर आ रही है क्योंकि अमेरिका को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस युद्ध में जो इसराइल इस युद्ध को फिलिस्तीन के साथ लड़ रहा है, इस युद्ध में खुले तौर पर अमेरिका साथ दे रहा है। न सिर्फ साथ दे रहा है बल्कि आपने जाना कि कैसे 7 अक्टूबर के बाद दो दो वॉरशिप आज भी मेडिटेरियन सी में तैनात है। 11,000 सैनिकों के साथ वो यहाँ पर वॉर एक्सरसाइज कर चुका है और अमेरिकी जहाजों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है इस बात को लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा क्षुब्ध है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो हमले करवाए जा रहे हैं, ये जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे सिर्फ यमन नहीं है, इसके पीछे वो सुपर बॉस है जो मिडिल ईस्ट का सुपर बॉस होने का दावा करता है, मतलब ईरान। जवाब देना होगा तो हिजबुल्ला को देना होगा, यमन को जवाब देने से बात नहीं बनेगी। जवाब देना होगा तो ईरान को देना होगा। ईरान को जब जवाब दिया जाएगा तो ये सारे कारिंदे जो उसके हैं वो अपने आप खामोश हो जाएंगे। संभावना नजर आ रही है, अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज है और हो सकता है कि यमन, हिजबुल्ला समेत ईरान पर भी अमेरिका हमला करे। बिल्कुल, और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के संकेत भी मिलने लगे इस दुश्मनी के बीच।